भगवान उनके भी कृपा आदि करें। इस राजकोट में आने की एक ही हमारी कारण ही है, भगवत कथा प्रचार हो, और कोई कारण नहीं। महाप्रभु संग जीवों की उपदेश दिया, पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु ने यह बताया, पृथ्वी में सर्वत्र ही गांव गांव में घर घर में फिर प्रभु के नाम कीर्तन हो, हरि नाम संकीर्तन है। क्योंकि संसार में लोग अनेक प्रकार भोग में मत्त है, भगवान कौन है, कैसे उसके भजन करना है, जीवन में क्या करना है भी पता भी नहीं है लोगों का। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के सुनाते हैं। हे महाराज परीक्षित सुनिए, चार युग है, कितने युग है कौन जानते हैं, कितने युग है भाई, चार युग है, कौन कौन है, सत्य सत्य युग, त्रेता युग, इसके बाद द्वापर युग और कली युग। अभी कौन सा युग चल रहे हैं, कली युग चल रहे हैं। अलग अलग युग में अलग अलग करके ही साधन भी बताया, भगवान की प्राप्ति के लिए अलग अलग साधन भी बताया गया। इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, कृतजत धैतो विष्णु त्रेतांग जजते मखई दापरे परिचर्यायं और कलु केशव संकीर्तनम। कृतजुग सप्त युग में लोग ध्यान करते थे, क्या करते थे, ध्यान मेडिटेशन करते है, किंतु कलयुग में ध्यान संभव नहीं है, थोड़ा सा बैठे मन चंचल हो जाता है, आंख बंद करे तो संसार की सारी चिंताएं आ जाते हैं, सब दिखाई पड़ते रहते हैं, और मन इतने चंचल भी है, विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीजा, विदाउट टिकट है, आप एक सेकंड में सारा पृथ्वी आप भ्रमण कर सकते हैं, जाना नहीं पड़ेगा आपको, मन इतने चंचल हो जाता है, घूमता रहता है, इसलिए कहा गया कलयुग में ध्यान जो है बहुत कठिन कहा गया। इसका किचो ध्यान, किंतु देखो सत्ययुग में लोग ध्यान करते थे, क्यों, सत्ययुग के लोगों की आयु भी दीर्घ था, कितना था आयु सत्ययुग लोगों की, 1 लाख है, 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे, कितने लाख, कम से कम 1 लाख तक जीवित रहते थे है। त्रेतांग जजते मखई, त्रेता युग में लोग जगन करते थे, फायर सैक्रिफाइस है, कि विधान दिया गया, अलग अलग युग में अलग अलग साधन दिया गया। त्रेता युग में लोग क्या करते थे, जगन करते थे, कलि युग में जगन करना भी बहुत कठिन हो जाता है, एक तो परफेक्ट ब्राह्मण मिलना बहुत कठिन हो जाता है किंतु बहुत कठिन है, और लोगों के पास समय भी नहीं है, इतने समय कहाँ है, 2 घंटा 3 घंटा बैठना बहुत कठिन हो जाता है, अनेक प्रकार के व्याधि है, रोग बीमारी पड़ा हुआ है, बैठ नहीं पाते। जगन करने के लिए आपको नीचे भूमि पर आसन में बैठना पड़ेगा, जगन करना पड़ेगा, कलयुग में कहाँ कर पाते, और अनेक प्रकार सामग्री भी मिलना बहुत कठिन भी है, कहाँ मिली सामग्री। इसलिए कलयुग में कार्य क्या, ये जगन भी संभव नहीं है।
त्रेतांग जजते मख दापरे परिचर्चा, दापर युग में अर्चन करते थे लोग, कलयुग में अर्चन भी बहुत कठिन है, एक सामग्री मिले अर्चन के लिए दूसरे सामग्री नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं कलयुग में बहुत सरल प्रथा दे दिया, क्या नाम संकीर्तन, कलो केशव संकीर्तनम, नाम संकीर्तन करने से ही सत्ययुग के ध्यान के फल, दापर युग की यज्ञ के फल और त्रेता युग की यज्ञ के फल, दापर युग की अर्चन की फल अपने आप प्राप्ति हो जाता है। इसलिए कहते हैं कलयुग में क्या करना चाहिए, नाम संकीर्तन, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्नथा। बृहत नारदीय पुराण में स्वयं व्यासदेव जी ने कलयुग के लिए इतने सहज सरल उपाय दे दिया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति था। कलयुग में कुछ करना ही नहीं है, हरि नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो इसलिए कलयुग में सहज सरल उपाय बता दिया, कुछ करना ही नहीं, घर में रहिए और नाम करते रहिए, कुछ करना ही नहीं। अहोवत सुपचद गरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, अहोवत सुपचद गरियान, चंडाल जो कुत्ते के मांस खाते से कहा जाते सपच कहा जाता है, अहो बत सपचद गरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जो एक बार प्रभु के नाम ले लेते हैं बस उस स्वामवेदी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन जाता है। भागवत में वर्णन हो रहा है, कह रहे अहो बत सपचद गरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, और ये नाम करने से ही वेद पाठ हो जाता है, नाम करने से समस्त तीर्थ में स्नान हो जाता है, कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको। लोग हरिद्वार जाते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ और अनेकों स्थान पर जाते हैं, किंतु शास्त्र में कहते हैं भागवत में वर्णन करें प्रभु के नाम लेने से सब कुछ स्नान तीर्थ स्नान हो जाता है, वेद पाठ अध्ययन हो जाता है, जितने भी शुभ कर्म है समस्त प्रकार के शुभ कर्म के फल हरिनाम करने से प्राप्त हो जाता है। सुष्णु राजा ग्रंथि ब्रह्मण चुर नाम, प्रभु की नाम की महिमा दिखा है। कलयुग में केवल नाम आधारा सुमेरु सुमेरु नर उतरा ही पारा। तुलसीदास जी रामचरित मानस में वर्णन कर रहे कलयुग में केवल नाम आधा, केवल एकमात्र नाम के आश्रय लीजिए बस, और कुछ करना ही नहीं। इसलिए नाम की महिमा दिखा जगत में, हम कैसे हरिनाम करें, विश्वास करके हरिनाम करें बस, ये नाम करने से सब कुछ हो जाता है। इसे श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को जय अजामिल के उपाख्यान सुनाया।
किसके ऊपर कान? अजामिल है। प्राचीन भारतवर्ष में अजामिल नाम से एक विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण थे वो है? सब प्रकार के कार्य करते थे वो। ब्राह्मण के जो चार छह प्रकार के कार्य होता है, जजन जायन अध्ययन अध्यापन और दान अधिग्रह, संघ जगना आदि करते हैं और दूसरे को भी सिखाते हैं, स्वयं वेद पाठ करते हैं और दूसरे को भी वेद पाठ कराते हैं, और दान ग्रहण करते हैं और दूसरे के दान भी देते हैं। इसका जजन जजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह। अजामिल नित्य प्रत्यह जंगल से सूखी लाकड़ी को चुन करके लेकर के आते थे और उसके द्वारा विशुद्ध घी के द्वारा हवन करते थे, गायत्री मंत्र के द्वारा हवन करते थे। एक दिन जंगल में गए लाकड़ी को जो है संग्रह करने के लिए, सूखी लाकड़ी को संग्रह करने के लिए कोई शूद्राणी के जो है दुर्व्यवहार को देख लिया, देखो उनके चित्त मलिन हो गया। घर में आ गए, हवन तो किया किंतु इस शूद्राणी के तरफ वो आसक्ति हो गए, सब कुछ छोड़ करके अपने वृद्ध माता पिता सदी साधी पत्नी नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बालक की भी छोड़ करके जंगल में वो शूद्राणी के साथ रहने लगे। देखो उनके चित्त दूषित हो गया था, जिसके फलस्वरूप वो दुष्कार्य आदि करने लगे, शराब पीना, चोरी करना, जितने प्रकार के कुकर्म आदि करने लगे, क्योंकि एक बार कोई धर्म बस से बाहर चले जाए उनके जीवन सत्ता नाश हो जाता है। इसलिए कहते हैं साधु स्वावधान है, फिर करो अवधान। सुनिए अच्छी तरह से, जीवन हमारी इसी प्रकार है, एक बार कोई सत मार्ग से भटक जाए फिर वापिस आना बहुत कठिन हो जाता है, है ना? जैसे इंग्लिश में इसको कहा जाता है एडिक्टेड हो जाता है, है? कोई वस्तु में जब कोई एडिक्टेड हो जाता है वो क्या ना क्या काम कर देता है। जैसे कोई शराब पीना पीते हैं उसके छुड़वाना बहुत कठिन होता है, है? गलत काम में कोई एक बार फंस जाए उससे वापिस आना बहुत कठिन होता है, है? सुनिए अजामिल के दशा उसी प्रकार हो गई। कहां कन्नकुब्जी ब्राह्मण थे, कहां माता पिता की सेवा करने वाली, और उनकी गति ऐसे हो, जंगल में वो शूद्राणी के साथ रहने लगे और ऐसे दुष्कार्य आदि करने लगे, और उस शूद्राणी के गर्भ में 10 पुत्र भी उत्पादन कर दिया। कितने? 10 है। वृद्धकाल आ गए और अंतिम बालक के नाम दिया नारायण। क्या नाम रखा? नारायण। है आजकल लोगों के फैशन हो गया, फैशन समझते ना, क्या फैशन हो गया? भगवत नाम नहीं रखते, हक्कू बक्कू डक्कू चक्कू ये नाम रखते, पिंटू सिंटू डिंटू डीटू सीटू रखते कि नहीं रखते? पहले बालक के नाम रखा जाता था,
राम कृष्ण हरि गोविंद राधा ललिता विशाखा। आजकल घर घर में फैशन हो गया है, अधिक क्या बोले है, कली काल है, लोगों की ऐसी ऐसी स्थिति भी चलते रहते है। जितने जो जितना ही कपड़ा फटा फूटा पड़ने रहते ना, उसके फैशन मानते हैं। क्षमा करे, शास्त्र में कहा है। मैं एक बार इंग्लैंड में गए, चलो भारतवर्ष तो है ही है जो कुछ है, इंग्लैंड में गए, एक व्यक्ति आए, उनकी जो जो पहने कपड़ा पहने वो सूट पहने हुए है, जींस पहने हुए, उसमें चार पांच ऐसे से छेद छेद है। मैंने सोचा कि गरीब होगा सही है। मैंने पूछा किसी को, भाई सब लोग आए हैं अच्छे अच्छे कपड़ा पहन करके और इनके जो जींस में जो है इतने बड़ा बड़ा छेद कैसे है। बोले महाराज इसके बारे में बाद में बताएंगे। बोले बाद में क्या? बोले महाराज ये फैशन है, इसी कपड़े के जो है जींस के अधिक पैसा लेते हैं, आजकल यही फैशन है। और वही हमारे भारतवर्ष में वो भी चलते आ रहे हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की है। हम इसलिए कह रहे हैं आज हमारी गति, समाज की गति स्थिति कहां चलती जा रहे है। शुद्ध सदाचार भारतीय सभ्यता संस्कृति का हम भूलते जा रहे हैं, पाश्चात्य देश की हम अनुकरण करते जा रहे हैं। और पाश्चात्य देशों के लोग फॉरेनर्स देखो तिलक लगाते हैं, अच्छे कपड़ा भी पहनते हैं, धोती पहनते हैं है। हमारे प्रभु जी इंग्लैंड में रहते, ठंडी ब्राइटन में रहते, देखो धोती पहने कि नहीं पहने, स्टैंड अप देखो धोती पहने कि नहीं है, देखो आपके ही तो घर का ही है धोती पहने है। देखो ये फ्रांस के है हमारी जमुना दीदी, देखो कितने सुंदर है साड़ी पहनी हुई है, स्टैंड अप। अभी अंग्रेजी में बोला कि नहीं बोला है, है? किंतु हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति है, हम अपने सभ्यता संस्कृति के हम भूल जाते हैं, हम पाश्चात्य देश के सभ्यता संस्कृति को हम लेना चाहते हैं, है? और पाश्चात्य देशों के लोग देखो है हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के अपनाते है। देखो वो इंदिरा देवी जाए आई है, लंदन से आई है, स्टैंड अप देखो साड़ी पहनी है कि नहीं, देखो है, देखो कितने सुंदर साड़ी है। हम इसलिए कह रहे हमारे अपने सभ्यता संस्कृति को हम भूल जाते हैं और पाश्चात्य देश की सभ्यता संस्कृति को अपना बहुमानन करते हैं। आज हमारी शिक्षा भी उसी प्रकार, हम जब तक इंग्लिश नहीं बोले तो समाज में हमें किसी की हमें आदर नहीं करेंगे। दो चार इंग्लिश बोल दिया जाए कहते हाँ ये विद्वान, और अपने मातृभाषा को हम भूल जाए, अपने मातृभाषा में बोले तो कोई नहीं, बात ही सही है। आज हमारी हम लोग सोचते हैं जे हमारे बच्चा क्या पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े है, और पाश्चात्य देश में जाए और धन अच्छी तरह से कमाए, किंतु गए पाश्चात्य देश में वापिस नहीं आए कब। काल मैंने बताया ना, भारतवर्ष ऐसे तीर्थ भूमि है, पुण्य भूमि है, ऋषि भूमि कहा जाता है, यज्ञ भूमि कहा जाता है, अनेकों जन्म के सुकृति के फलस्वरूप पुण्य के फल से भारतवर्ष में हमारे जन्म हुआ है, किंतु हम पाश्चात्य देश में चले जाते हैं और वहीं पर रह जाते हैं। बस एक पीढ़ी तो गए, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी
बस वही रह जाएगा, हमारी सभ्यता संस्कृति भूल जाएंगे। हम कृष्ण गोविंद राम नाम हम ग्रहण नहीं करते, आज हमारे देश की इसी स्थिति होते जा रही है। राम कृष्ण गोविंद ये नाम लेना भूल गए हम। देखो आज सभ्यता संस्कृति कहां कहां कैसे चल रहा है, ये देख करके बहुत दुख आ जाता है। धीरे 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 हम अपने सभ्यता संस्कृति कल्चर को हम भूलते जा रहे हैं। राम कृष्ण की जो आदर्श वो हम भूलते जा रहे हैं। माता पिता के सम्मान करना हम भूलते जा रहे हैं। पिताजी के आजकल लोग क्या बोलते हैं, पिताजी नहीं बोलते, डैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैड। माँ के क्या बोलते हैं? माताजी नहीं कहते, माताश्री का नहीं कहते, पिताश्री नहीं कहते, माम। और माम के और भी छट करके कहते हैं मुम। आप लोग जानते हैं ना, जो पहले पहले जो मृत शरीर को जो है एक प्रकार जो है आयुर्वेदिक तेल आदि के द्वारा रखा जाता था, उसे क्या कहा जाता है? मम्मी, वही मम। पिताजी के पिताजी नहीं कहते हैं, डैड, डेड, उसी के हम बहुमानन करते हैं। किंतु हमारे भारत सभ्यता संस्कृति कितने सुंदर माधुर्य शब्द जो है पिताश्री माताश्री है, ये भारत उसे छोड़कर के कहीं नहीं मिलेगा ऐसे मधुर जो स्नेह प्रीति। किंतु हाय हमारे भारतवर्ष की ऐसे धीरे 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 सभ्यता संस्कृति नष्ट होते जा रहे। संस्कृति पढ़ाना बंद ही कर दिया, डेड लैंग्वेज कहते हैं। वेद रामायण महाभारत गीता लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, स्कूल कॉलेज में इसमें पढ़ाते नहीं, संस्कृत पढ़ाते नहीं, बहुत कम जगह में पढ़ाते हैं। क्यों? यदि रामायण भागवत गीता आदि नहीं पढ़े तो हम कैसे समझेंगे हमारे अपने सभ्यता संस्कृति के बारे में, भागवत के बारे में हम क्या समझेंगे है? जिसके कहा जाता है ये भागवत के देव भाषा कहा जाता है, है? ये संस्कृत यदि हम अध्ययन नहीं करें तो धीरे 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 हम सब अपने भाषा सब भूल जाएंगे। आइए कथा में अजामिल देखो, अपने अंतिम जो पुत्र जो है उसको क्या नाम रखा, क्या नाम रखा भाई? नारायण। जोर से बोलो एक बात, भगवान के नाम उच्चारण हो जाए, क्या नाम रखा जाए? नारायण। देखो कितने सुंदर नाम, भगवान के नाम उच्चारण हो। बोले कोई माला में जप करे तो नहीं करे, अपने बेटा के नाम यदि नारायण रख दिया, नाम राम रख दिया, कृष्ण नाम रख दिया, गोविंद नाम रख दिया, राधा नाम रख दिया बेटी के नाम, देखो खाने में बैठने में उड़ने में नाम तो पुकारोगे ना, क्या बोलोगे? गोविंद इधर आ जाओ है, नारायण इधर आ जाओ। देखो भगवान के नाम उच्चारण हो जाता है। अजामिल उसी प्रकार अपने बालक के नाम रख दिया नारायण। बोले जिस दिन अपने बालक के नाम नारायण रख दिया और नारायण नाम ग्रहण कर लिया तो सारे पाप नष्ट हो गए। पुत्र वो चारित गृणम। अजामिल अपने बेटा के नाम लेकर के जिस दिन बुलाया, बोले उसी क्षण में सारे पाप नष्ट हो जाता है। भगवत नाम की महिमा दिखा। शास्त्र में क्या, जीव तो संसार में कई पाप तो करते ही रहते हैं, है? चलने में फिरने में बैठने में खाने में पाप हो जाता है। चल करके आप आए हैं, दो कदम तो चल करके आए हैं, 10 कदम कितने चिट्टियां मर गई,
मर गए कि नहीं? आप तो देखे नहीं, हम तो देखे ही नहीं है, है? जिसका हम प्राण दे नहीं सकते उसके मारने की हमारे अधिकार नहीं, बंद करने के अधिकार नहीं है, पाप हो जाता है। और लोग तो ना जाने कितने कितने पाप भी कर लेते हैं, मातृहत्या, पितृहत्या, ब्राह्मण हत्या, गो हत्या, गायों की भी हत्या करते हैं, है? पाप कर लेते, भ्रूण हत्या, ना जाने कितने प्रकार के पाप कर लेते हैं। ऐसे पाप से जीवों की मुक्ति कैसे हो? और ये पाप भोगने के लिए संसार में बार बार आना ही पड़ेगा, कुछ भी करें, है? Therefore, every action is equal and opposite reaction. प्रत्येक वस्तु के क्रिया जो समान और विपरीत मुखी आई कब? हम किसी के जीवन में कष्ट दिया, वो कष्ट आएगा ना, किसी न किसी प्रकार से आएगा हमारे पास, है? हम किसी के उपहास किया, किसी न किसी समय हमें भी वो भोगना पड़ेगा, छोड़ेगा नहीं, कर्म की फल आएगा वो। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो करने के तुम्हारे अधिकार है, कर्म करो, किंतु कर्म के फल मैं देने वाला हूं। जो जैसे संसार में कर्म आदि करते रहते हैं, उस कर्म के फल उसके भोगना ही पड़ता है, किसी न किसी प्रकार से इस संसार में भोग करना पड़ता है। ऐसे जब ऐसे हम कर्म करते रहते, कर्म चक्र में आना ही पड़ेगा। तावत जननम तावत मरणम तावत जननी जठरे शयनम, बार बार ही कर्म करते रहेंगे और मातृगर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, फिर शरीर छूट जाएगा, फिर आना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है जन्म मृत्यु के चक्र कहा जाता है, द साइकिल ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ आएगा वो। कि इस कर्म चक्र से छुटकारा कैसे मिले, इसलिए कहा जाता है एक बार भी प्रभु के नाम ले ले, बस नाम की महिमा दिखाए। इसलिए अजामिल जिस दिन अपने बालक के नाम नारायण रख दिया, देखो उसके सारे पाप नष्ट हो, हैं? और पुनः पुनः अपने बालक के नाम लेकर जो पुकारा नारायण नारायण नारायण, उससे हो गया उनके सुकृति बन जाता है, नामाभास बन जाता है, और जिसके फलस्वरूप वो साक्षात वैकुंठ में जो विष्णु दूत उनके दर्शन मिला है। इसी कथा को श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के श्रवण कराया। जब अजामिल 84 साल हो गए, कितने 84 इयर्स, 84 साल हो गए, मृत्यु की शैया पर वो सोए हुए थे, टट्टी पिशाब आदि कर रहे थे, दुर्गंध चारित्र फैला हुआ था, इतने दुर्गंध था, उनके पास कहीं नहीं रहा, मृत्यु के केवल घड़ी अंतिम सांस ले रही है, दो एक सेकंड में मानो उसके अंतिम सांस बंद हो। इतने समय अजामिल देखा तीन जमदूत, कितने 3 जमदूत है, हई हई रही 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 करके आने लगे, विशाल शरीर जमदूत। आजकल लोग नास्तिक है, बोले कोई थोड़ी है, हम तो मर जाएंगे और शरीर तो जला दिया जाएगा, कौन देखेंगे। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जावत जीवेत तावत सुखेत भस्मीभूत अध्यस्त कुतः पुनरागत। नास्तिकों के वचन है, बोले पैसा नहीं है, दूसरे से ऋण कर लो, कर्ज ले लो, यू कैन टेक द लोन, कोई बात नहीं, चुकाने की भी जरूरत नहीं है, पैसा नहीं है, लूटपाट कर लो,
चोरी करो, डकैती करो, जो कुछ कर लो, कौन कर्मफल देखते रहते हैं? ये केवल साधुओं की बात, क्या बोले, ऐसी बोलना है बस। और ये ब्राह्मण लोग केवल एक शास्त्र में लिख दिया डराने के लिए, किंतु ऐसे नहीं, वेद पुराण उपनिषद में लिखते हैं, किसी से एक काना कौड़ी लिया तो उसके जन्म जन्म उसके चुकाना ही पड़ेगा, है? उनके चुकाना पड़ेगा, आना पड़ेगा संसार में कुत्ते होकर के, गाय भैंस होकर के, है? आना पड़ेगा, चुकाना ही पड़ेगा। नास्तिक लोग सोचते हैं जे बस चलो, ऋणं कृत्वा गतं पिबेत, जावत जीवित तावत सुखेत, भूषीभूत देहस्य कुतः पुनरागतः। ये केवल पापियों की बात है, किंतु जन्म जन्म इस संसार में आना पड़ेगा। किसी से एक काना कौड़ी लिया और उसके नहीं चुकाया तो देना ही पड़ेगा। हम इसलिए करे, अजामिल पाप किया, उसके पाप के लिए देखो, इसलिए जमदूत, तीन जमदूत आ गए, कितने कितने जमदूत आ गए, तीन जमदूत आ गए, है विशाल शरीर था, है भाई यही रही रही करते हैं। क्यों? हम जो पाप करते हैं तीन प्रकार से करते हैं, शरीर के द्वारा, वचन के द्वारा और मन के द्वारा, काय मन वक्त से हम पाप कर लेते हैं। इसे तीन जमदूत आ गए और उनके देख करके अजामिल डर गए, टट्टी पिशाब करने लगे, है? देखो एक बात मैं बताता हूं, सच बताता हूं, हम इस संसार में जो कुछ कर रहे हैं, अच्छे और बुराई, वो सब कौन देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं? वो सीसीटीवी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आज है ना, इधर है कि नहीं है, बड़े बड़े स्थान पर जो है सीसीटीवी लगा रहता है, है? है? पीछे है, ये लगा है ना, कौन क्या कर रहे हैं सब लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार देखो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, अच्छी बुराई जो कुछ भी कर रहे हो, वो सब लिखते जा रहे हैं और उसके सब टीवी आपके मृत्यु के पश्चात जब जम लोक में ले जाएंगे सबको दिखाएंगे आपको। वो कौन लिखता है जानते हैं आप? जब महाराज के क्लार्क, उसके नाम क्या है? चित्रगुप्त। क्या नाम बताया? चित्रगुप्त। नाम भी उसकी मराजी है विचित्र, चित्रगुप्त। चित्र माने आपके पूरा फोटो लिए ले जाएगा, है? और गुप्त माने गोपन से, जिसका आजकल हम कहते हैं सीसीटीवी का, है? जो भी कर रहे हैं साफ टीवी साफ वहीं पर जाएगा। और जब महाराज वहीं पर विचार करेंगे, है, पाप और पुण्य के जो है वहीं पर विचार हो, दंड दिया जाएगा। पापियों के दंड दिया जाता है जो जैसे पाप किया। ये नहीं है जे मैंने पाप किया कौन देखता रहता है, है? दूसरे के वस्तु पड़ा हुआ है उठा लिया, है? किंतु चित्रगुप्त सब दिखाएंगे, भाई तुमने इसके चोरी की, एक कुकर्म किया या अच्छी कर्म किया, जो भी सब बिल्कुल आपके क्या दिखाएंगे, रील दिखाएंगे, है? इसलिए तीन जमदूत आ गए अजामिल को ले जाने के लिए, जम लोग में ले जाने के लिए तीन जमदूत आ गए। अजामिल देख करके डर गए, जीवन में उन्हें तो पाप कर्म किया, अजामिल डरने लगे क्या करें। इतने समय अजामिल देखा क्या, थोड़ी सी दूर में, है? 50 मीटर दूर में उसके छोटा बालक, क्या नाम था, क्या नाम था बताओ तो, कम से नारायण। अरे प्रभु के नाम तो एक बार ले लो, नारायण। देखो अजामिल जोर से
है नारायण नारायण नारायण। देखो और अपने बालक के नाम लेकर के पुकारने लगे क्यों अजामिल विचार करने लगे मुझे कौन रक्षा करेंगे मेरे बेटा कम से कम आ जाए। देखो और उसी समय वो साउंड कहां चले गया ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन शब्द ब्रह्म कहां चले गए वैकुंठ में चले गए। और वह कौन स्वयं भगवान विष्णु के सिंहासन ऐसे हिलने लगे भगवत नाम की महिमा। स्वयं भगवान विष्णु नारायण अपने चार जो है दूतों के भेज दिया जिसको विष्णु दूत कहा जाता है। कितने दूत चार फोर मैसेंजर्स ऑफ विष्णु दूत है शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु के भांति देखने में सुंदर है शंख चक्र गदा और कमल शंख चक्र गदा पद्मधारी चार विष्णु दूत आ गए और आकर के तीन जामदूतों के पास रोक आगे रोक दिया। अरे कहां जा रहे हो दिखाई नहीं पड़ रहे देखो वो जमदूत कहने लगे ये अजामिल महापापी है इसको मैं लेकर के जा रहा हूं इनको ले जाना है जमदूत नियम है यदि है जो दुष्कर्ज करने वाले उसके तो जमलोक में ले जाना ही है ये जीवन में बहुत पाप किया है ले जाना। किंतु देखो विष्णुदूत ने कहा नहीं ये अंतिम समय प्रभु के नाम ले लिया बोले क्या नाम लिया नारायण है। तुलसीदास जी भी लिखते हैं रामचरितमानस में है क्या लिखा जन्म जन्म मुनि जतन कराय अंत काल राम नाम अवत न आय। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग प्रभु के नाम जप करते हैं किंतु अंतिम समय प्रभु के नाम आना बहुत कठिन है। इसे तुलसीदास जी लिख रहे जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतकाल राम नाम आवत न आए। किंतु अजामिल देखो अपने बेटा के नाम लेकर के पुकारा इसे विष्णुदूत ने कहा देखो ये प्रभु के नाम ले लिया जमदूत में जम लोग में नहीं जाएंगे। एक श्लोक उन्होंने बता दिया संकेतं पारिहासं स्तोवं हिलनं एववा वैकुंठ नाम ग्रहणं असिसाधरं विदुरति। प्रभु के नाम किसी प्रकार से एक बार ले ले बस संकेत है अजामिल प्रभु के नाम नहीं लिया अपने बेटा के नाम लेकर पुकारा इसे संकेत हो गया हिंस है संकेतम परिहास कोई हास परिहास करते एक बार प्रभु के नाम ले ले है बोले क्या कष्ट कष्ट नाम करके क्या होगा बोले देखो हास परिहास कर भी नाम भी ले ले उस नाम में भी महिमा दिखा संकेतम परिहास स्तोप स्तुति आदि कर दिया है। कभी बजा बजाते हैं हारमोनियम बजाते हैं सहसा थे सारे गामा पादा नीसा गामा रेसा धापन सासा सासा फिर कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कीबोर्ड में लगा दे बोले किसी प्रकार से एक बार प्रभु के नाम हो जाए बस है सारे पाप नष्ट हो जाता। हेला हेला मेरी इच्छा नहीं है है कब्र में दर्द होता है ना बैठने के समय आप कैसे बैठते हैं राम राम है कमर में दर्द हो गया राम राम करके बैठे वह ऐसे कोई घटना घटी आपके मुंह से अकस्मात क्या नाम निकलते हैं अरे राम राम है देखो ऐसे कोई दुर्गंध भी आ रहे हैं हम कहते अरे ये दुर्गंध राम 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 देखो प्रभु के नाम किस पर उच्चारण हो जाए उसमें भी पाप नष्ट हो जाता है।
इकड़ संकीर्तन पारिहास्यं स्तोवं हेलनं एववा वैकुंठ नाम ग्रहणं असि सागरं विदुदति। अशेष अघ माने समस्त पाप नष्ट हो जाता है एक बार कोई प्रभु के नाम ले ले। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अजामिल देखा आश्चर्य की बात, सोचने लगे मैंने पापी महापापी था, केवल मैं अपने बेटा के नाम लेकर के पुकारा नारायण और देखो भगवान विष्णु मुझे रक्षा करने के लिए अपने चार विष्णु दूत को मुझे भेज दिया। कितने दूत? चार विष्णु दूत। क्यों? नाम ही था नारायण, चार अक्षर युक्त नाम था नारद। प्रभु के नाम की महिमा इतने सुंदर है। ये जमदूत लौट करके गए भगवान जम महाराज जी के पास और बोलने लगे शंख चक्र गदा पद्मधारी ऐसे महापुरुष ने हमने दर्शन किया। देखो जम महाराज कहने लगे हे दूतो आप लोग बहुत भगवान हो है, आप लोग जिसके दर्शन किया वो मेरे प्रभु के ही अनुचर है, है? तुम लोग महाभगवान हो। संग जम महाराज कहने लगे सुनो आज से कहां जाना है कहां नहीं जाना है मैं बताता हूं। संग जम महाराज कहने लगे ये देखो ज्ञान भक्ति भगवत नाम गुणध्यम चेतस्न स्मरति तत्चरणारविंदम तानारद्ध असुतो अकृत विष्णु कृत्वा। संग जम महाराज कहने लगे जो एक बार जी हमें भगवत नाम नहीं करते हैं उनके पास जाना, जो एक बार प्रभु के नाम ले लेते हैं उनके पास भूल से भी दूर से जाना मत जाना। एक बार जिसके लड़ाक पर तिलक देखोगे, क्या देखोगे? इसको तिलक बोलते हैं ना है, उनके पास मत जाना है। ज्ञान भक्ति भगवत नाम गुणध्यम चेतस स्मृति जो एक बार मन के द्वारा ही प्रभु के स्मरण कर लेते हैं। गीता में भगवान भी कहते हैं मद भक्त मज्जाजी मान नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो। कहते हैं आपकी भक्त बनना तो बहुत कठिन है, मज्जाजी मेरा पूजा करो, बोले पूजा करना भी वो भी कठिन है। तो भगवान कहते हैं और सरल बता देता हूं, मांग नमस्कुरु एक बार हाथ जोड़ करके प्रभु के प्रणाम कर लो बस। भगवान गीता में इतने सरल उपाय दे दिए, क्या करेंगे आप बताओ है। प्रातः काल में उठ करके हाथ जोड़ करके प्रभु के स्मरण कर लो है और प्रभु के नाम ले लो गोविंद बल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बल हरि गोपाल मेरो राधार मन गिरिधारी सनम बनो आरे, मेरो राधार मन गिरिधारी सनम बनो आरे, बलो राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, बोलो करुणामयी राधे 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 राधे, करुणामयी राधे 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 राधे, हरे राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे। देखो एक बात बताता हूँ,
विष्णु सहस्र नाम, कितने पाठ करने पर जो फल होता है, एक बार राम नाम करने से फल प्राप्त हो जाता है, तीन बार राम नाम करने जो फल होता है उसे एक कृष्ण नाम करने से फल प्राप्त हो जाता है, और 100 बार कृष्ण नाम करने जो फल प्राप्त होता है, एक बार राधा जी के नाम करने से हो जाता है। तो कौन सा नाम जप करना चाहिए? राम है, शास्त्र में प्रमाण दे रहे, देखो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम भी तुलना नंग राम नाम बराणी सहस्र नाम नंग पुन्ना नंग त्रिवृत्ता तु जग फलाम एक वृत्ता तु कृष्ण स नाम तत्प्रजति। एक बार की कथा है, कैलाश में देवी पार्वती शिव जी के भोजन करने में थोड़ा देर हो गई, भोजन तैयार नहीं। शिव जी बोले, देवी पार्वती आज भोजन देने में तुम्हारा देर क्यों हुआ? देवी पार्वती बोली, हे नाथ मैं एक व्रत ले लिया। क्या ले लिया? व्रत लिया। बोले क्या? मैं हर रोज विष्णु सहस्र नाम जप करता हूं। कितने नाम? 1000 विष्णु सहस्र नाम जप करता हूं, इसलिए आज जप करने में थोड़ा देर हो गई। देखो शिव जी कहने लगे, देवी पार्वती मैं तुमको सुनाता हूं, देखो 1000 विष्णु नाम जप करने में जो फल होता है, एक बार राम नाम जप करवासी। बोलो बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। 1000 विष्णु नाम के जप हो गए हैं। इस श्लोक में स्पष्टीकरण कर रहे हैं, ये राम और रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सब सहस्र नाम नाम भी तुल्लन राम नाम वराणने। हे देवी, एक बार भी राम नाम जप कर लेते हैं, 1000 विष्णु नाम की बराबर फल प्राप्त हो जाता है। इस कथा सुन करके देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, कहे और कुछ बताइए, और कुछ सरल बताइए। तब कहने लगे, देखो सहस्र नाम नम तुन पुन्नान त्रिवृत्ता तु जत फलम एक वृत्ता तु कृष्ण नामैक जत प्रजच्छति। तीन बार नाम राम नाम जप करने से जो फल होता है, एक बार कृष्ण नाम, एक बार भी कृष्ण नाम जप कर ले, कृष्ण मम कृष्ण शरणम ममस्तु, बस कृष्ण ही हमारे सब कुछ, कृष्ण नाम जप कर किसी प्रकार के कृष्ण नाम उच्चारण हो जाए है? और 100 बार कृष्ण नाम जप करने से जो फल होता है, एक बार राधा नाम जप कर ले है? तो कौन सा नाम जप करना है? बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। बोलो हमर धन राधे 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 हमर धन राधे 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 प्रेम धन राधे 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 प्रेम धन राधे 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 राधे। बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। सभी ताली बजाइए। बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे।
एक बात सच बताता हूं, हमने अभी कहा प्रभु के नाम लेकर के जो ताली बजाते हैं ना, उसके सारे पाप कहां चला जाता है? सब पाप भग जाता है, सारे पाप क्या हो जाता है? सब चला जाता है। तो एक व्यक्ति मुझे पूछा, महाराज पाप कहां चला जाता है? है? हम जो ताली बजा करके प्रभु के नाम जप किया है, हरे कृष्ण राधे कृष्ण करके, वो पाप कहां चला गया? कहां चला गया भाई? देखो जो नहीं कर रहे ना उनके पास जाते हैं, है? इसलिए क्या करना चाहिए? बोले सभी प्रभु के नाम देखो, आठ ताली बजा, देखो सारे पाप तुम्हारे पास से सब चला जाएगा, बाहर चले जाएंगे। बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे। बोलो हरे कृष्ण हरे के निकट में एक सच बताता हूं, ये प्रभु के नाम लेकर जो ताली बजाते हैं ना, है? इसमें भी वैदिक कल्चर है, वाइब्रेशन पड़ता है इसमें फिंगर, है? इसमें हमें बहुत कुछ लाभ होता है, है? और सारे पाप तो नष्ट हो ही जाता है, है? क्योंकि भगवत नाम में शक्ति है, अचिंत शक्ति है, है? ये कोई अक्षर नहीं है, ये शब्द ब्रह्म है, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, अचिंत शक्ति उसमें है, है? प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है। देखो ऐसे जब करते हो ना, एक फिंगर एक उंगली दूसरे उंगली में जब लगते हैं, उसमें इसमें जितने भी ग्रंथियां जो है वो अपने आप है ठीक हो जाता है, हमारी हृदय ग्रंथि को जो है वो ठीक कर देते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां भी ठीक हो जाती है, है? हर रोज आप ऐसे ताली बजा करके प्रभु के नाम करो, देखो आपके चमत्कार जो दिखाई पड़ेगा, करिश्मा दिखाई पड़ेगा साक्षात रूप में प्रभु के नाम की, ऐसी है। अच्छा ये हाथ में, अपने हाथ को देखिए क्या ये है, कुछ रेखाएं है ना, यू कैन सी योर ओन पाम, आप अपने हाथ में देखिए क्या है इसमें रेखाएं है, आपने देखो है, ये रेखा किसने बनाया, कौन बनाया ये रेखा? सबके एक नहीं है, आपके अगल में बगल में जो बैठे हुए हैं, दाएं बाएं में जो लोग बैठे हुए हैं, देखो सबके हाथ की रेखाएं सब अलग अलग है, है? बृहस्पति की रेखा है, शनि की रेखा है, बुध की रेखा है, और सारी रेखा है, ये एस्ट्रोलॉजर है उसे वो बता देंगे आपको, है? ये भाग्य रेखा है, ये आयु रेखा है,
है? कितने दिन तक आप रहेंगे, क्या क्या होगा, ये विवाह की रेखा है, है? वो भी विवाह विच्छेद की भी रेखा भी है, है? कब डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, वो सारे रेखा है। विवाह तो रेखा तो है, विवाह होने के बाद क्या हो जाता है, फिर कुछ समय के बाद भी विच्छेद होता ना, जिसको कहा जाता है क्या, डिवोर्स होता भी है। किसी के नियम हुआ तो भगवान कृपा करे, अच्छी बात है, किंतु होता ही रहता है, घर में घर झगड़ा भी होता रहता है, है? है कि नहीं? आजकल तो दूसरी चलते, वो देख, वो क्या बोले, जन्म पुत्री तो दिखाते नहीं है, वो अपने आजकल क्या कर लेते हैं, अपने मनमानी से ही विवाह आदि कर लेते, कर लेते कि नहीं करते, आजकल तो अति सहज रूप में होता है, क्या फेसबुक में चले जाते, उसके कोई किसी के पता भी नहीं है, है? ना ब्राह्मण के पास जाते हैं, ना उसके जन्म पुत्री दिखाते हैं, ना कुछ है, विवाह तो कर लेते हैं, वो भी विवाह कर लेते हैं, पैसा खर्च करना नहीं चाहते, मंदिर में जाते हैं, ऐसे एक माला बदल लेते हैं बस, और सिंदूर ले लिया, हो गया, और भी कहते हैं क्या, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, करते कि नहीं करते है? किंतु देखो उसके फल क्या होता है, कुछ समय के बाद विवाह विच्छेद हो जाता है, झगड़ा होता है, ये होता है, चलता रहता है। किंतु हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में क्या होता है, जन्म पत्री, जन्म लग्न आदि देख करके विवाह होता है, माता पिता ब्राह्मणों के द्वारा अनुमोदित होता है, समाज के द्वारा अनुमोदित होता है, है? किंतु वर्तमान कलिजुग माता पिता भी कुछ भी बोल नहीं पाते है? आप बताओ उसके क्या होता है। हम इसलिए कह रहे हैं ये रेखाएं जो है इसमें सब है, हस्तरेखा जो है सामुद्रिक विज्ञान जिसको कहा जाता है, ये व्यासदेव के रचित ग्रंथ है, क्या विज्ञान बताया, सामुद्रिक विज्ञान का, इसमें भी है सब, अपने भाग जीव जैसे लेकर क्या है, इससे भाग के भी आप बदल सकते हैं। कैसे बदलोगे, हाउ कैन चेंज, कैसे बदलोगे, कैसे बोले नाम के द्वारा, ये राहु केतु आदि जितने भी ग्रह उपग्रह आपके पास है वो भी बदल जाएगा, इसलिए महाप्रभु कहते नाम संकीर्तन के द्वारा करो, बदल जाएगा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश्वास करके हर रोज 5 मिनट केवल ताली बजा के हरिनाम करना, देखना आपके जितने भी उपग्रह है, दोष है, किसके पास काल सर्प योग है, कुछ है ऐसे है, सारे दोष आपके नष्ट हो जाए, माने दोष चला जाए है, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा है, 100% गारंटी मैं बताता हूँ। लोग तो जाते बोले कहते इसके ये दोष है वो दोष है, काल सर्प दोष है वो दोष है वो दोष है, इसके बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, घर वाले इसको ये होता है वो हो जाता है, मैं कहता हूँ एक ही उपाय है कलिजुग में, नाम की महिमा, आप करके देखो विश्वास के साथ है, आप जितने भी ताबीज ग्रहण कर लो, कुछ भी कर लो, वो आपके फल भोगना ही पड़ेगा, किंतु एक बार प्रभु के नाम ले लो, देखो नाम करने से सारे बाधाएं आप अपने आप चला जाए, जो हो गया जो हो गया, जो कर्म जो कर लिया, किंतु कर्म के फल नष्ट हो जाता है प्रभु के नाम से है कि नहीं, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, एक मत प्रभु के नाम है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों के शिक्षा दी, नाम संकीर्तन कैसे, ताली बजा रहे है, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम।
हरे कृष्णा। देखो अभी आप अपने देखो हथेली को देखो, यू कैन सी योर पाम, कुछ रेखाएं बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल जाते हैं, सब सुख आ जाता है आपके पास है। प्रभु के नाम की बड़े नाम करने से सारे बाधाएं कट जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, प्रभु के नाम में तुम्हारी है। नाम संकीर्तन श्री कहते हैं कलु नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नाम की महिमा दिखाई दे। इसलिए हम इतने समय जो अजामिल की जो कथा सुनाया, अजामिल साक्षात देखा, जमदूतों को देखा और देखा क्या विश्वदूतों को देखा है। शंख चक्र गदा पद्मधारी सुंदर दिव्य मूर्ति विश्वदूतों को देखा और देखकर को आश्चर्य हो गया, ये मैंने जीवन में इतने पाप किया और अपने बेटा के केवल नाम लेकर के पुकारा और स्वयं भगवान विष्णु मुझे रक्षा दी। क्या नाम था बेटा के नाम? नारायण देव, प्रभु के नाम है। आप अपने बेटा के नाम यदि रख दिया हक्कू बाकू डाकू चाकू तो अंतिम काल में वही तो बेटा के नाम लेकर पुकारोगे, ये डाकू 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 आएगा तुम्हारे पास, डकर्स आ जाएगा, डकर्स चाकू 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 आ जाएगा और चाकू तुम्हें मारेगा। इसलिए कहते नहीं बेटा के क्या नाम रखो, नारायण कृष्ण गोविंद राम हरि है, ये नाम रखो है। बेटी हो तो बेटी के क्या नाम रखो, सुंदर नाम रखो, ललिता विशाखा। देखो हमारे पास जितने भी विदेशी भक्त आए हैं इनके नाम पूछो बहुत सब पढ़ योर नेम है। देखो इंदुमती नाम कितने सुंदर नाम, पढ़ योर नेम श्यामा प्रिया, देखो है श्यामा माने श्रीमती राधिका, राधिका के जो अत्यंत प्रिय है नाम ही है श्यामा प्रिया, पढ़ योर नेम इंदिरा देवी, देखो स्वयं राधिका है। श्रीमद् भागवत में आ रहे जयति ते ओधिकं जनमना वज्रज श्रयत इंदिरा शशत्रयी दयित दीक्षतां दीक्षुतावका त्रैदिता सव त्वां विचिन्नते। इंदिरा माने सर्वलक्ष्मी श्रीमती राधिका, ब्रज की सेवा कौन करती है, स्वयं राधिका ब्रजेश्वरी है, ब्रज की ईश्वरी सीधा सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ ब्रज, रमेश्वरी खमेश्वरी ब्रजेश्वरी है राधिका, सर्वलक्ष्मी श्रीमती राधिका। इंदिरा माने लक्ष्मी, कौन लक्ष्मी, सर्वलक्ष्मी श्रीमती राधिका, कितने सुंदर नाम है इंदिरा देवी दास की। और यू ने देखो माधवी नाम है, राधा जी के नाम है। हम इसलिए ये नाम किसने करे, देखो विदेश में रहते हुए इनके कितने सुंदर नाम है, वही नाम ही उनके सबने पुकारते हैं है। हमारे भक्त जितने विदेश में भक्त भक्त है सब ऐसे कृष्ण और राधा तो नाम है सब, हर सारे भक्त लोग उसी नाम रखते हैं, नाम लेकर के पुकारते हैं है। कोर्मी नाम नहीं है, देखो कितने सुंदर नाम है। हम इसलिए कह रहे बेटी हो तो नाम ऐसे रखिए, राधा कृष्ण राधे ललिता विशाखा नाम देखो, बेटा हो तो गोविंद श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र नाम रखिए, मृत्यु के समय तो प्रभु के नाम ही तो आ जाएगा। बेटा के हो बेटी के नाम लेकर तो पुकारोगे, आसक्ति कहीं नहीं कहीं जलक जाता है, बेटा में हो अथवा बेटी में हो है, माँ की आसक्ति बेटा में लग जाता है और पिताजी की आसक्ति किस में लगते है, बेटी में है।
ये स्वाभाविक है। तो बेटी के नाम राधा नाम रखा, मृत्यु के समय आप कहो जी राधे 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 है। देखो एक सच घटना मैं बताता हूं, वृंदावन में आप गए, कौन कौन वृंदावन गए, आप लोग वृंदावन गए ना, कौन कौन स्थान दर्शन किया, सेवा कुंज दर्शन किया, बांके बिहारी दर्शन किया, राधा रमन दर्शन किया, निधु भवन निकुंज भवन दर्शन किया। मैं सच बताता हूं आज तक भी सेवा कुंज में सेवा कुंज में आज तक भी नित्य रास होती है, राधा कृष्ण के और गोपियों के साथ नित्य रास होती है। और आधी रात में रात 10 बजे के बाद उस स्थान पर कई एक बंदर ती भी नहीं रहता, एक बंदर भी नहीं रहता। आप लोग जब देखे होंगे से कितने बंदर है, किंतु देखो रात 10 बजे के बाद उसी निधुवन में सेवा कुंज में उस एरिया में एक भी बंदर तक भी नहीं रहेगा। पुजारी ठाकुर जी के दरवाजा पट बंद करके चले जाते हैं और अनेक प्रकार के सामग्री रख करके जाते हैं। प्रातः काल में जब दरवाजा पट खोलते हैं 4:30-5 बजे, देखा कि सब इधर उधर बिखरे हुए, ठाकुर जी की रास होती है पहले। कुछ लोग सोचते हैं यार ये तो केवल ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे शंका करके डाउट से अंदर में रखते हैं, रास हम देखेंगे, दूसरे दिन देखा वो मर गया, नहीं तो बिल्कुल वो पागल हो जाता है। आज तक भी आप जाइए वह स्थानीय जो लोग ब्रजवासी जो रहते हैं, और आप भी निकट में कोई एक मकान भाड़ा ले लीजिए, माने किराए में ले लीजिए, आपको भी दिखाई पड़ेगा। रात्रि काल में 10 बजे के बाद उस स्थल पर कोई नहीं रहता है, बंदर भी नहीं रहता, बंदर सब बाहर आ जाता है, नित्य रास होती है। अभी कथा में सुनिए, एक परिवार लोग आए थे बंगाल से, अभी अभी विवाह करके आए हैं, बिल्कुल सेवा कुंज के सामने एक मकान किराए में ले लिया। पति पत्नी आई थी वृंदावन दर्शन करने के लिए, अभी अभी शादी हुई है। देखो 2-4 दिन के बाद उनके पत्नी की बुखार हो गई, क्या हो गया, बुखार, हाई फीवर हो गई, और उसमें ही वो शरीर छोड़ दिया। देखो उसके पति अपनी पत्नी के लिए इतने रोने लगे, बिल्कुल पागल हो गए, 3-4 दिन तो कुछ खा ही नहीं, और उसके पत्नी के नाम लेकर के पुकारने लगे पागल की भांति। उसके पत्नी के नाम थी क्या, किशोरी 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 किशोरी। देखो किशोरी किसका नाम है, राधा जी के नाम है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले, पाओ में पाओ लिया पके छम चमा चम बोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, मैंने बात पूछी लाली कहो तेरो नाम रे, मैंने बात पूछी लाली हसकते बोले मोरे राधा मेरो नाम रे, हसा के बोले मोरे राधा मेरो नाम रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। आगे तो कहीं बहुत सुंदर कीर्तन है, ब्रज की कीर्तन है। देखो उनके पत्नी के क्या नाम थी, क्या बताया, किशोरी, और उसके पति पागल हो गई अपने पत्नी को नाम लेकर के किशोरी किशोरी किशोरी, बिल्कुल सेवा कुंज की चारी तरफ, क्या दिन में क्या रात में है, किशोरी 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 के डोलते थे। बहुत लोगों ने देखा क्या दिन में क्या रात में अपने
पुतली को नाम लेकर के किशोरी 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 बस पागल। रात 1 बज गया, ठीक सेवा कुंज की दरवाजा जो है, आप लोग गए ना वृंदावन सेवा कुंज दर्शन किए ना, सेवा कुंज की बिल्कुल दरवाजा जो है, और वो अपने पुतली को नाम लेकर के रो रहे थे किशोरी 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 किशोरी। ठीक रात 12-1 बजे के बाद रास बंद हो गई, स्वयं राधा जी अपनी सखियों के साथ बाहर आने लगे हैं। ललिता विशाखा जितने सखियां थी उन सखियों के साथ राधा जी बाहर आई, देखा कि वो व्यक्ति किशोरी 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 के लोटपोट खा रहे। स्वयं राधा जी कहने लगी देखो ये मेरे नाम लेकर के लोटपोट खा रहे, इसको दर्शन देना है। ललिता देवी कहने लगी अरे ये तो पागल है, अपने पुत्री के नाम लेकर के ये लोटपोट खा रहे। किंतु राधा जी कहने लगी देखो किशोरी के नाम तो मेरे ही नाम तो किशोरी है ना, ब्रज में किसके नाम किशोरी है, बोले राधा रानी की जय है। स्वयं राधा जी उनको दर्शन दे, किसी भी प्रकार से एक बार उनके नाम लेकर के भाई डूब जाए, प्रभु उसके दर्शन दे देते, राधा जी को साक्षात दर्शन दे है। अजामिल अपने बेटा के नाम लेकर के जो पुकारा है तो राधा जी, और राधा जी के नाम किशोरी, राधा जी कर रहे थे ब्रज में तो मैं ही किशोरी हूं ना, इसलिए कीर्तन में कर ना छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, पाओ में पाओ लिया बके चम चमा चम बोले रे, पाओ में बचे चम चमा चम डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, बतावे मोते राधा मेरो नाम रे, हसास के बतावे मोते राधा मेरो नाम रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, मैंने वासे पूछी लाली कहाँ तेरो घर रे, मैंने वासे पूछी लाली कहाँ तेरो घर रे, हसास के बतावे मोते परसन मेरो घर रे, हसास के बतावे मोते परसन मेरो घर रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, मैंने वासे पूछी लाली कहाँ तेरो ससुराल रे, मैंने वासे पूछी लाली कहाँ तेरो ससुराल रे, शर्मा का के बोले मुझसे जाबड़ गाँव ससुराल रे, शर्मा का के बोले मुझे साउथ मेरो ससुराल, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, मैंने वासे पूछी लाली कौन तेरो भक्ता रे, मैंने वासे पूछी लाली कौन तेरो भक्ता रे, शर्मा का के बोले मुझसे सैम मेरो भक्ता रे, शर्मा का के बोले मुझे सैम मेरो भक्ता रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, ओ पाओ में पाओ लिया बके चम चमा चम बोले रे, पाओ में पाओ लिया बके चम चमा चम बोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, ओ मैंने बासे पूछी लाली खाओ की गा माखन, मैंने बासे पूछी लाली खाओ की आहा बोले मेरे आगे पीछे डोले रे, आहा आहा बोले मेरे आगे पीछे डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, मैंने वासे पूछी लाली
डोले रे आहा डोले में दे आगे पीछे डोले रे ओ चंद्र सखी बजो बाल कृष्ण छवि चंद्र वाले बजो बाल कृष्ण छवि अरे सपन में आके मुझसे मिट्टी मिट्टी बोले रे सपन में आके मुझसे मिट्टी मिट्टी बोले रे छोटी सी किशोरी ने रे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी ने रे अंगना में डोले रे ओ पाओ में पाओ लिया वाके चमचमा चम बोले रे पाओ में पाओ लिया वाके चमचमा चम बोले रे छोटी सी किशोरी ने रे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी ने रे अंगना में डोले रे ओ पाओ में पाओ लिया वाके चमचमा चम बोले रे पाओ में पाओ लिया वाके किशोरी मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे चंद्र सखी बजो बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी बजो बाल कृष्ण छवि अरे सपनों में आके मुझसे मिट्टी मिट्टी बोले रे सपनों में आके मुझसे मिट्टी मिट्टी बोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे पाओ में पाओ लिया बाके चमचमा चम बोले रे पाओ में पाओ लिया बाके चमचमा चम बोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे देखो मैंने इसलिए ब्रज की कथा आपके सुनाया है तात्पर्य क्या ब्रह्मा जी शिव जी नारद आदि बड़े बड़े भक्त लोग जो राधा जी के चरण कमल दर्शन कर नहीं पाते हैं देखो वह व्यक्ति अति सरल रूप में राधा जी की दासी बन गए केवल राधा जी के नाम ले रहे किशोरी नाम जप करके कितना इसमें मधुर की कथाएं वृंदावन चलिए वृंदावन की एक धूल भी आपके शरीर पर लग जाए आप अनुभव करोगे ये धूल नहीं है वृंदावन की धूल धूल नहीं है ये साक्षात राधा जी के चरण रेणु कहा जाता है जो ब्रह्म सुख नाद विश्व लक्ष्य रालक्षित पुरुष सतस्य शब्दो सुख चूर्ण अनंत शक्ति राधिका चरण रेणु अनुस्मरामी हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद दिख रहे ब्रह्मा जी शिव जी नारद जी बड़े बड़े दिक्पाल राधा जी की चरण दर्शन तो होता ही नहीं उनके बड़े दिशा में राधा जी विराजमान होती है उस दिशा के धूल की प्रणाम कर रहे हैं जो ब्रह्म सुख नाद भीष्म लक्ष्य रालक्षित न पुरुष शब्दों वशीकर चूर्ण अनंत शक्ति राधिका चरण रेणु अनुस्मराम वृंदावन ऐसे दिव्य धाम है प्राकृत धाम है इसलिए वृंदावन में जब चलिए वृंदावन की धूल के सिर पर लगाइए ये गोपियां विशेष करके राधा जी के चरण रज उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग भी इस चरण धूल की प्राप्ति करने के लिए आज तक भी कठोर तपस्या कर रहे हैं घास के रूप में है राधा जी कितने महिमा जगत में दिखाए देखो इसलिए इतना ही बस करना है बस वृंदावन में चलना है सेवा कुंज दर्शन है और ठाकुर जी के नाम ले लो बस राधा जी की किंकरी बन जाओ है हम इसलिए अजामिल की इसलिए कहते हैं नाम की महिमा अजामिल तो अपने बेटा के नाम रखा नारायण है किंतु देखो विष्णु दूत आग्रह तो रक्षा तो किया जमदूत से फिर वो चले गए हरिद्वार में कहाँ गए हरिद्वार गंगा के तट पर बैठे गंगा जल पान किया
और मंत्र जप किया है और अंत में वैकुंठ में गए, विष्णुदूत को लेकर के गए। उस समय अजामिल वही विष्णुदूत के पूछा, देव उस समय आप लोग हमें क्यों नहीं ले गए? तब उस समय विष्णुदूत ने कहा, तुम तो नाम तो किया किंतु अभी प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। गुरु से मंत्र आदि लेने के बाद और नाम जप करते करते संबंध ज्ञान हो जाता है। जब तक सदगुरु प्रदान सदगुरु प्राप्ति नहीं हो और गुरु से मंत्र नहीं ले, वो संबंध ज्ञान नहीं होता है, भगवत प्राप्ति नहीं होता है। इसलिए तुलसीदास जी लिख रहे रामचरित मानस में, बिनु गुरु तरु न, बिनु गुरु भव निधि तरु न कोई, जो ब्रह्मा ब्रिंज सम हो, ए ब्रिंज सम हो, बिनु गुरु तरु निधि कर, तरु निधि जोई, जो सिर्फ ब्रह्मा के भांति ज्ञानी भी बन जाए क्योंकि जब तक गुरुकरण नहीं करें तो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। फिर कहते बिनु गुरु भव निधि तरु न कोई, जो विरिंच शंकर विरिंच सम हो, शंकर शिव जी के भांति महाज्ञानी भी हो जाए, ब्रह्मा के भांति ज्ञानी भी हो जाए, वेद शास्त्र अध्ययन कर ले, किंतु जब गुरुकरण नहीं हो वो संसार से पार नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र में गुरुकरण की बात दिखाया गया। स्वयं कृष्ण भागुर ऋषि से दीक्षा मंत्र लिया, स्वयं रामचंद्र भी वशिष्ठ ऋषि से भी मंत्र लिया है। हमारे चैतन्य महापुरुष स्वयं कृष्ण, उन्होंने भी ईश्वर परिपाद से दीक्षा मंत्र आदि, इसलिए दीक्षा मंत्र आदि लेकर के सभी प्रभु के नाम ग्रहण करें, शुद्ध सदाचार पालन करें, ललाट पर तिलक लगाए, गले में कंठी धारण करें, एकादशी आदि पालन करें। बहुत लोग एकादशी पालन नहीं करते किंतु शास्त्र में कहते हैं एकादशी पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी प्रकार अन्न भोजन करना नहीं चाहिए है, चावल दाल बजरा ये भोजन करना नहीं चाहिए। शरीर यदि ठीक हो आप निर्जला व्रत कर सकते हैं, उदार ड्रिंकिंग ड्रॉप ऑफ वाटर, और शरीर यदि ठीक नहीं है आप फलाहार कर सकते हैं। शुद्ध सदाचार पालन आदि करें और भगवत नाम जप करें है, इस नाम की महिमा जगत में दिखाएं है। एक बार प्रभु के नाम जप करें, बस मृत्यु के समय अंतिम काल में प्रभु के नाम जिया में आ जाए, बस आप भगवत धाम में चले जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। है अधिक समय में लेना नहीं चाहता हूँ, 8 बज गए ना, समय हो गया। आप लोग एक बार और एक बार प्रभु के नाम ले लीजिए बस है। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद किशोर कृष्ण हासी यशोदा तनय प्रसीद, श्री वल्लभी जीवन राधिकेश, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद, गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी यशोदा तनय प्रसीद, श्री वल्लभी जीवन राधिकेश, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद, गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हरि यशोदा तनय प्रसीद, श्री वल्लभी जीवन राधिकेश, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद, गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हरि यशोदा तनय प्रसीद, श्री वल्लभी जीव
त्रिभुवन राधिकेश श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण श्री यशोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी त्रिभुवन राधिकेश श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण श्री यशोदा तनय प्रसिद्ध श्री वल्लभी जीवन राधिकेश श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण श्री वल्लभी जीवन राधिकेश श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण श्री यशोदा तनय प्रसिद्ध हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम
Yeah.
श्री गुरुदेव की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, गिरिराज महाराज की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री कृष्ण चंद्र की जय, अनंत कोटि वैष्णव हिंद की जय, श्री गोपनंद हरि हरि चलो तो आज लाभ ले जो गुरुदेव नु शरण लेना लेवा नाम ना लिध हो तो तुम्हारा आध्यात्मिक नाम गुरुदेव आपसे वो सुंदर राधा कृष्ण नो नाम पुरुष हो तो कृष्ण नो नाम बेनो राधा जी के नाम एक राधा जी का नाम ले लो आपका जीवन सफल हो जाएंगे जरूर गुरुदेव को आपको खूब खूब आशीर्वाद है आज आनंद आया उसके आनंद से हम बहुत आपको याद करेंगे सारे साल बीत जाएंगे लेकिन वापस आएंगे तो फिर आप यहाँ आनंद करेंगे आपके साथ तो हमको मौका दीजिए बीजे फिर आओ तो जरूर तुमने मल से बचा बताइए सब थे जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण बताइए प्रसाद लेवाना से काली सवाना भी मंगल आरती हसे छवागे जरूर पहुंची जा